मेरे बहुत ही प्रिय साथियों, हृदय की गहराई से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, क्या चरित्रवान बने रहना किसी शर्त पर आधारित होता है या उस शर्त के फुलफिल होने पर ही क्या चरित्र को बनाए रखा जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं। चरित्रवान होना व्यक्ति का स्वयमेव अपना स्वयंभू गुण होता है जो कि प्रत्येक परिस्थिति में बना ही रहना चाहिए। साथियों, हम इन दिनों चर्चा कर रहे हैं ज्योतिष जगत की एक बहुत ही विवादास्पद युति, राहु और शुक्र की युति के बारे में, जिस युति को देख करके ही बहुत से ज्योतिष महाशय सीधे उस कुंडली को रिजेक्ट करने का कार्य कर देते हैं, चरित्रहीनता का उसके ऊपर आरोप लगा देते हैं, बिना उन सभी परिस्थितियों पर विचार किए कि ये जो युति है ये केवल अकेले होने से कार्य नहीं करती है, इसके साथ में कुछ शर्तों का फुलफिल होना जरूरी है। साथियों, इसी पर हम चर्चा करेंगे और आज चर्चा हम करेंगे द्वितीय भाव के बारे में, कब वो व्यक्ति को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ धकेल सकता है, मजबूर कर सकता है। इससे पहले एक बेहद जरूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से। अपना कमेंट लिखने से पहले हैशटैग आचार्य चंद्रकांत इस शब्द का प्रयोग जरूर करें और साथ ही जिस प्रश्न का हम इस एपिसोड के अंत में आपसे उल्लेख करेंगे उसका सही उत्तर देने वाले प्रश्नों में से ही हम कमेंट का चयन करते हैं। साथियों, ये जो श्रृंखला है ये आपको कुंडली मिलान में बहुत बहुत योगदान देने वाली है और बहुत से ऐसे शादियों को भी ये बचाने का कार्य करेगी जो कि गलत फहमी के चलते तलाक की नौबत तक पहुँच चुके हैं। साथियों, आइए सबसे पहले जन्म पत्रिका पर दृष्टिपात कर लेते हैं ताकि आपके लिए इस परिस्थिति को समझना आसान हो। द्वितीय भाव, जिसको कि धन भाव, कुटुंब भाव भी कहा जाता है, यदि इस भाव में राहु और शुक्र की युति है, ये अपने आप में पर्याप्त नहीं है। इसके साथ ही यदि शनि की इन पर पूर्ण दृष्टि पड़ रही हो तब ही ये फुलफिल होती है। और शनि की दृष्टि कब कब पड़ सकती है? यदि शनि पंचम भाव में विराजमान है या अष्टम भाव में विराजमान है या द्वादश भाव में विराजमान है। इन तीनों परिस्थितियों में से किसी एक परिस्थिति में यदि शनिदेव हैं तब ही ये युति कारगर होगी। साथियों, राहु अपने आप में पाप ग्रह हैं, इसमें कोई शक नहीं है। शुक्र उनके गुरु हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। परंतु जब तक इस युति को शनि की छाया का, शनि की दृष्टि का योगदान नहीं मिलता, ये अपना पूर्ण कार्य नहीं कर पाती है। ऐसा जो व्यक्ति है वो धन बहुत ज़्यादा खर्च करता है, झूठ बोलने में कई बार इतना माहिर हो जाता है कि उसका झूठ पकड़ना भी मुश्किल होता है। तरक्की ऐसे व्यक्ति को अपने जन्म स्थान से बहुत दूर जाकर के ही मिलती है। कई बार लोग इनके बारे में गलत फहमी के शिकार रहते हैं, ये कोई बात समझाना चाहते हैं पर वो बात किसी को समझ में नहीं आती है। दांत इनके जो देखे गए हैं वो टेढ़ी मेढ़ी स्थिति में देखे गए हैं। अब बात मुद्दे की, यदि ऐसा जो व्यक्ति है वो कुंडली ठीक से मिलाकर के विवाह नहीं करता है तो उसके जीवन में ऐसी परिस्थितियां जरूर आती है कि यदि इसको ऐसा लगे, इनको ऐसा प्रतीत हो लॉजिकली या इनको किसी प्रकार से ये पता लग जाए कि मेरा जो जीवन साथी है उसका चरित्र कहीं ना कहीं ठीक नहीं है, तब ये इतना जान करके, इतना समझ करके ये भी गलत राह पर चलना प्रारंभ कर देते हैं। और ख़ास तौर पर जब इनको राहु की या शुक्र की दशा या अंतरदशा चल रही हो, अन्यथा ये नॉर्मल जो सामान्य जिंदगी है वैसे ही चलते हैं। परंतु ये बदला लेने की प्रवृत्ति से ही सही व्यक्ति को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ धकेलती है। साथियों, मुझे आशा है कि द्वितीय भाव में जब भी किसी व्यक्ति के राहु या शुक्र की युति होती है और जो मैंने परिस्थितियां बतलाई है वो परिस्थिति भी होती है, तब फिर ऐसा व्यक्ति
यदि उसको जीवन साथी पर संदेह हो जाए तब वो ऐसा समझने लगता है कि उसको एक प्रकार से लाइसेंस मिल गया है गलत राह पर चलने का। और यदि उसको ऐसे गलत लोगों की संगत मिल जाती है, जैसा कि यदि राहु और शुक्र की दशा या अंतरदशा में उसको मिलेगा ही, तब फिर वो अपने चरित्र को बचा कर रख पाने में बहुत मुश्किलें उसके सामने पेश आ सकती हैं। तो इस स्थिति से आपको बचकर रहना है। तो साथियों, अब बढ़ते हैं आज के हमारे हम कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है नीलम जी का, जो कि उन्होंने लिखा है हमीरपुर हिमाचल प्रदेश से। नीलम जी, आपने लिखा है कि आपका जो दाम्पत्य जीवन है उसमें खटास की स्थिति आ गई है, क्या करना चाहिए। वैसे तो ये जो खटास है वो इसी वर्ष जुलाई अगस्त तक 2020 तक स्वयं ही धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी, परंतु फिर भी आपको नियमित रूप से लाल चंदन का तिलक या टीका जरूर धारण करना चाहिए और इसको आप किसी भी रविवार से प्रारंभ कर सकते हैं। सप्तमेश आपका सूर्य होकर के 12th हाउस में बैठा है और उसी की वजह से ये गड़बड़ हो रही है। तो साथियों, अब एक बेहद ही आसान प्रश्न आज के एपिसोड के बारे में पूछ लेते हैं कि हमने आज किस भाव में राहु और शुक्र की युति का उल्लेख किया है। केवल उस भाव का नाम लिखना है आपको उत्तर के रूप में। साथियों, ये हमारी श्रृंखला आगे से आगे जारी है, पूरी रिसर्च बेस्ड, पूरे विश्वास पर, लॉजिक पर आधारित। आप इससे ज़रूर लाभ लीजिए। आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।